गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को प्रभात फेरी निकाली गई। आगे आगे फूलों से सजे रथ पर गुरु नानक देव और गुरुओं की तस्वीर के साथ प्रतीकात्मक गुरु ग्रंथ साहब शोभायमान था। पीछे पीछे बड़ी संख्या में गुरुवाणी का मनन करते हुए सिख समाज और गुरु नानक देव जी के अनुयायी चल रहे थे। शोभा यात्रा का नगर के विभिन्न स्थानों पर सर्वधर्म के प्रमुख जनों, व्यापारी बंधुओं और नगर वासियों ने पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत कर मत्था टेका। सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव सुपेला स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और लंगर में शामिल हुए। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों पर विशेष कार्यक्रम रखे गए। वहीं इसी कड़ी में सुपेला स्थित गुरुद्वारे में भी भजन कीर्तन व लंगर का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर समाज सेवी व चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव विशेष रूप से शामिल हुए। सर्वप्रथम मत्था टेककर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात गुरुद्वारे कमेटी के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान गुरुद्वारे कमेटी द्वारा चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव का स्वागत सम्मान किया गया। उन्होंने पर्व की बधाइयां शामिल लोगों को दी। गुरु जी की खालसा, गुरु जी की फतह। आज के प्रकाश पर्व में मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव आप लोगों के बीच से ही यहाँ पर ये मौका मिला है। इस प्रकाश पर्व में मैं अपनी दो बातें कह सकूँ। ये पूरा जो मौसम है, ये पूरा जो समय है, आप देखेंगे कि जिस तरह से दिवाली आती है, फिर इस तरह से पूरे समाज में हमको देखना है कि एक हर्ष और उल्लास का वातावरण रहता है। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सारे संतों को लग लग बधाइया। नारी स्त्री सदन जो हर युवा को सुपेला स्थित गुरुद्वारे में विशेष रूप से शामिल समाज सेवी अरुण श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से सामाजिक समरसता के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में प्रकाश पर्व के अवसर पर हम श्री गुरुद्वारा गुरुद्वारा में आकर के अपना मत्था टेक करके यहाँ सेवा करना चाहते हैं। हम वाहेगुरु से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भलाई सद्भाव की कामना करते हैं। जात पात से ऊपर उठकर एक ऐसे समाज की कामना करते हैं जिसकी कल्पना। बहरहाल इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।